आज आपको एक ऐसे महान परम पुरुष पूर्ण धनी निर्बंध पुरुष की वाणी सुना रहा हूँ, जो ये कहते हैं पंथ को भी छोड़ दे, किसी में है ना, पढ़ो क्या कहते हैं। सुनाओ पक पात कीरा न जलना, पक पात कीरा न जलना, बेज अग्नि में कभी न जलना, बेज अग्नि में कभी न जलना, नहीं तो हाथ शोक कमलना, नहीं तो हाथ शोक कमलना, मन नहीं उठे तरंग आया, सतगुर के सत्संग, मन नहीं उठे तरंग आया, सतगुर के सत्संग, भक्ति भावले संगत करना, भक्ति भावले संगत करना, बद भाव से भार न धरना, बद भाव से भार न धरना, बद भाव बड़ा हुआ आगे फिर नहीं छूटे जन्म न मरना, फिर नहीं छूटे जन्म न मरना, सीख साधु का ढंग आया, सतगुर के सत्संग, किसी मजहब में पैदा होना मुबारक है, किसी मजहब में मरना गुनाह। टू बॉर्न इन ए चर्च इज ब्लेसिंग एंड टू डाई इन ए चर्च इज कर्स। इसी वास्ते मैंने संत सद्गुरु वक्त की हैसियत में मानवता का लफ्ज इस्तेमाल किया, इंसान बन, जिसमें न हिंदू का सवाल, न सिख का सवाल, ना किसी पंथ का सवाल, ना ईसाइत का सवाल, ना बुद्ध का सवाल, और ना जैन का सवाल। ये मेरी थी, ये आगे भी है कहीं कोई। संग भया जब बंद का कारण, संग भया जब बंद का कारण, फिर क्या संगत करे ओ बारन, फिर क्या संगत करे ओ बारन, कैसे हो फिर तरन और तारन, कैसे हो फिर तरन और तारन, माया करे दिल संग आया, सतगुर के सत्संग, माया करे दिल संग आया, सतगुर के सत्संग। आज 10,000 का राजा थी, उनका मनोहर मुखड़ा, सुंदर मस्तक मेरी आंखों के सामने था। उस राज पाक ने कितनी दया मुझ पर की, अभय कर दिया, निर्बंध कर दिया, मैं हो नहीं सकता था। ये मंजिल पर पहुंचाने के लिए मुझको गुरु पदवी दी। भारत में इतिहास नहीं साबित करते किसी आदमी ने ये बात कही हो कि मुझे गुरु पदवी मिली थी, मेरे अपने ही अज्ञान को दूर करने के लिए। मैं सबने बात सबने बात को पर्दे में रखा, रखा कि नहीं रखा, दाता का कलाम है, मेरा नहीं है।
तो जिस वक्त इंसान निर्बंध हो जाता है, निर्बंधता किससे? गुरु के बाह्य गुरु से भी निर्बंधता हो जाती है। सतपद में जब सूरज जाती है तो वहां बाहर गुरु की चेख नहीं रहती है। जो ये कहते हैं कि बाहर गुरु का रूप तुमको सतलोक ले जाएगा, वो तुमको धोखा देते हैं। मैं नहीं कह रहा, राधा स्वामी दयाल अपने इस पंचम स्थान का जिक्र करते हुए कहते हैं, पढ़ो। पंचम किला तखत सुल्तानी बादशाह सजानिज जानी चली सूरत देखा मैदाना अजब शहर अद्भुत चौगाना आगे अमृत कुंड अमी की खाई महल सुनहरी रजे बनाई चौक चांदनी दीप अनुपा हंसन शोभा अचरज रूपा। मैंने तुमको साबित कर दिया कि वहाँ दीप हैं। दीप मैंने कहते शहरों को दीप है, जम्बू दीप, इतने इतने बड़े बड़े शहर हैं, क्या वो गलत हैं? पढ़ो पढ़ो इसको, क्या वो गलत हैं? चौक चांदनी दीप अनुपा हंसन शोभा अचरज रूपा। मैंने तुमको साबित कर दिया वो हंस वहाँ वैसे ही रहते हैं जैसा एक ग्राम मिट्टी में करोड़ा जर्म रहते हैं। ये असूल हैं, वो नूरी रूप के हंस हैं। आगे कोटस भान चंद्र उजियारा सुरत चढ़ी दिखाने द्वारा वो जो सतलोक था उसको दरवाजे पर चलिए। कब दरवाजा आएगा? जब सोहन गति तुम्हारी मैं पना छूट जाएगा, जैसा मैंने कल के सत्संग में कहा था। आगे द्वार पाल जा बैठे हंस कहीं कहीं अंश कहीं कहीं बंस वहां द्वारपाल दरवाजे पर जो होते हैं वो कौन है? तो कहते हैं कोई अंश है कोई वंश है। अंश वो हैं जो हमेशा ही वहां रहते थे सुरते, वंश वो हैं जो यहां से जाते हैं। जो सुरत यहां से चल करके उस स्थान पर पहुंचती है वो वंश की होती है ना, उसकी कभी तो वापस जाती है ना अपने घर में। तो जो वहां हमेशा रहते हैं वो अंश हैं, और जो यहां से सुरते जाती हैं उनको वंश कहा जाता है। अंश और वंश, मेरा अंश मेरा पुत्र मेरी धी, वंश रिश्तेदार सरबंदी। आगे सहज सुरत ता बचन सुनाए कहो भेद तुम जहाँ कस आए। ये तर्जे बयान है। सुरत ये कैसे वहां गई? आगे
सूरत नवीन कही सब बानी, संत मिले उन कही निशानी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि संत उसको वहां ले गया? संत ने तो उसको निशान दिया, उसको भेज दिया, मुझको भेज दिया। ओए बेवकूफ, तू वहां जाना चाहता है, सच पद में चल, पिंड अंड ब्रह्मंड को छोड़ के जा। वो छूटता नहीं था, बात समझ में नहीं आती थी। तो बाहर के गुरु ने जो तुमको भेज देना है, तभी तो मैं आया हूं उस अनामी धाम से, उस अगम योग से, इस संसार के अंतर सचीर को छोड़ोगे। क्यों? ये जो इस संसार में काल और माया के राज के जरिए से वो जो जीव सचमुच अपने घर जाना चाहते हैं, उनको इस काल मत के गुरुओं ने, महात्माओं ने ये कहकर कि हम तुमको सतलोक पहुंचा देंगे, तुम अपनी जायदादें, अपनी दौलतें, अपने पैसे, अपना धन हमारे अर्पण करो, इस एक्सप्लाइटेशन को बचाने के लिए, जीवों को सच्चा हित देने के लिए मैंने ये काम किया, भेज दिए जा रहा हूं कि राज क्या है। तो राधा स्वामी मठ में के जो आचार्य हैं, जो ये प्रोपेगंडा कराते हैं कि वो तुमको वहां ले जाएंगे, सतलोक पहुंचा देंगे, वो गलती पर हैं। राधा मेरे जाति तजर्बे की बिना पर और स्वामी जी की वाणी के आधार पर, वो तो कहते हैं गुरु ने सिर्फ भेज दिया, तुमको राज दिया, और वो राज कब मिलेगा? जब तुम सत्संग में जाओगे। आगे पढ़ो। इतना कहता भीतर घसी, सात नाम दर्शन कर हंसी। वहाँ सुगत जो थी वो ब्रह्म नहीं बनती है, वो अपनी हैसियत को वैसे ही रखती है जो इस छोटे से उस एक ग्राम मिट्टी के में एक छोटा सा कीड़ा है, वो हस्ती है हमारी उस सतलोक में, हमारी वो हस्ती है। मगर जिस तरह से इस जमीन के अंदर ये जीव जंतु कीटाणु हम खुशी का जीवन गुजारा करते हैं, आनंद लेते हैं, इस तरह से वो सुरतें वहां जाकर आनंद लेती हैं, अमी आहार लेती हैं, मस्ती में रहती हैं, खुशी रहती हैं। आगे बहुत से उठी आवाज, को तुम हो आए कहीं काजा। ये दर्द बयान है, अंतर से आवाज आती है, तुम कौन हो भाई, क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों आए हो यहाँ पर? इसका जवाब, जुज को कुल की तलाश है, मछली को पानी की तलाश है, जो जिसकी अंश है, जो जिसका जुज है, उसको वहां की तलाश है, वहां की खिंचाव है। ये स्वाभाविक है, कंपास में सुई के आगे थोड़ा सा मैग्नेट लगा हुआ होता है, जहां मर्जी घुमा के रखो उसका मुंह कहां जाएगा? नॉर्थ की तरफ। क्यों जाएगा? क्योंकि मैग्नेट का भंडार नॉर्थ में है। तो हमको कोई चीज खींचे लिए जाती है, अजल से जानवे हस्ती तराशे यार में आए, मगर रास्ते में हमको पेड़ न मिलने की वजह से हम रास्ते में अड़ जाते हैं,
हम क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं। हमारा जितना काम है दुनिया का सब अपनी खुशी के लिए तो है, मगर हमने उस खुशी को कहीं बेटे में, कहीं बाप में, कहीं जायदाद में, कहीं दौलत में, कहीं गुरु बनने में, कहीं प्राइम मिनिस्टर बनने में, कहीं प्रेसिडेंट बनने में, कहीं डिप्टी कमिश्नर बनने में, कहीं कुछ बनने में हमने अपने आप को सुख का ये जरिया बनाया हुआ है। मगर संत कहते हैं ये काल की रचना है, यहाँ हर एक चीज तब्दील होती रहती है, इन चीजों में सुख दायमी नहीं है। देखते नहीं हो जो आता है मर जाता है, ये दुनिया है क्या? दुखों का घर है। चलो पंडित मूला राम की नौजवान लड़की 2 साल शादी 3 साल शादी के हुए, उसका खावंद एक्सीडेंट में मर गया। अब उस औरत से पूछा जाए ये दुनिया दुख है या सुख है? ये संसार ही ऐसा है। तो संतों ने जो असली अपने घर को जाना चाहते हैं, जैसे मैं जाना चाहता था छोटी उम्र से, वो भेद देते तो खुशब से आवाज आई, कहो पढ़ो क्या है? वो अपमाद से उठी आवाज को तुम हो आए कहीं का जा आगे सत गुर मिले भेद तब दीना दरस हम आनंद और खुशी और शांति के इच्छुक थे। सदगुरु मिल गए जिन्होंने हमको भेद दे दिया उस आनंद और उस शांति और उस सुख के हासिल करने का। यह है राधा स्वामी जाल की वाणी। ये जितने राधा स्वामी आज चलते हैं ये सब काल और मा में ग्रस्त हैं। मैं ये लफ्ज निर्भय होके कहना चाहता हूँ ताकि जीवों के अज्ञान में रखकर उनको एक्सप्लॉइट न किया जाए। ये सच्चाई है जो मैं बयान करता हूँ कि जब सूरत उस प्रकाश और शब्द के मंडल में सुनती जाती है उसको क्या मिलता है? महान आनंद। अब उस आनंद का वर्णन कोई कैसे करे? किसी में ताकत है बयान करने की? एक तुम्हारे विषय भोग का आनंद है, स्त्री के भोग का, इस आनंद को कोई जुबान पर नहीं बयान कर सकता। ये तो भोगने से तल्लुक रखता है। गुड़ के स्वाद को कोई नहीं बयान कर सकता, ये खाने से तड़क रखता है। तो उस आनंद को कोई कैसे बयान करेगा? किन लफ्जों में बयान करेगा? कैसे करेगा? इसलिए ये करनी का भेद है, ना ही बुद्ध विचार, कथनी तद करनी करे तब पावे कुछ। इस वास्ते ये करनी का मार्ग। अब मैं सोचता हूं ये करनी बड़ी मुश्किल है। किनके लिए? जिनको इस संसार की इच्छाएं हैं, जिनको इस संसार की चाहें हैं, उनके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। इसमें सिर्फ भेद लेने की जरूरत है। जिनको चाह है उस अपने घर की, अगर उनको भेद मिल जाए, उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो अपना साधन
तीसरे तिल से शुरू करें। क्यों करें? सहस्र कमल त्रिकुटी सुन महासुन पवर गुफा सारे का सारा मैंने साबित कर दिया कि ये काल और माया है, मगर जिनको मन के आनंद लेने की जरूरत है, संसार के आनंद लेने की जरूरत है, मानसिक आनंद लेने की जरूरत है, उनके लिए ये साधन जरूरी है। वरना अगर समझदार आदमी हो तो वो शुरू से ही जब एकांत में बैठे मन शन सबको छोड़ जाए तो अपने अंतर में शब्द और प्रकाश का तसव्वुर करके उसमें चला जाए तो शायद 5 या 4 महीने की प्रैक्टिस से ही वो इस गति को पा सकता है, वो मैं नहीं पा सका। ये मेरी अपना अनुभव है, ये आसान से आसान तरकीब है कि बिल्कुल निचले दर्जों को छोड़ जाओ, सत्संग करके बात को समझ लो, मगर इसके लिए काफी सत्संग की जरूरत है। सत्संग में होता क्या है? मन की सफाई होती है, विवेक आता है, अनुभव आता है। अच्छा, ये भी नहीं तुमसे बनता तो ना सही। तुमने सत्संग में राज को लिया हुआ है, भेद तुमको मिला हुआ है, तुमने अमल नहीं किया। जिस वक्त तुमको इस दुनिया की तरफ से यकीन हो जाएगा कि यहां नहीं रहना, ये नाशमान है, तो ये जो यकीन तुमको अब मिला है कि मैं सूरत हूं, ये जिस्म और मन मेरा नहीं है, मेरा घर वो है देश मेरा जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया है, नूर और प्रकाश का मंजर, तो ये जो भेद तुमने मिला हुआ है उस तुम्हारे उस वक्त में जब तुमको इस संसार से उदासी आ जाएगी वो मदद करके तुमको उस देश में पहुंचा देगा। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं कैसे पहुंचा उस देश में, क्योंकि मुझको तो जिंदगी में ये यकीन ही नहीं आता था ना कि ये जो कुछ माया है, मैं तो इसको सच मानता था, गाथा जाल के रूप को सच मानता था, शंकर कंवर के नजारों को सच मानता था, सुन महासुन में मस्ती को सच मानता था, उसी में फंसा हुआ था ना। तो ये भेद मुझको मिल गया, या तो भेद सब संतों ने आज दिन तक उन्होंने इशारों में किया, मैंने इशारा नहीं किया, मैंने बिल्कुल खोल के बात कह दी। जिसके भाग में है वो मेरी बात को समझे, जिसकी भाग में है वो मेरी बात को ना समझे। इस कहने से नुकसान भी है कि जो जीव अभी तक इतनी बुद्धि नहीं रखते वो ना तो मेरी बात को समझ सकते हैं, तो उनका वो जो अज्ञान का विश्वास में जो आनंद लेते थे उनका वो भी कम हो जाता है। मैं बात साफ कहता हूं, इससे नुकसान भी है, इससे नुकसान भी है, मगर मैंने इस नुकसान की इतनी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे जिम्मे निबल अबल अज्ञानी जीवों को ले जाना है, भवसागर से पार कराना है, जगत का कल्याण है। इसलिए मैंने इस राज को, जिसको कबीर ने भी छुपाया, करम दास के लाख दिखाई, चार दे नहीं बाहर जाई, मैंने इसको खोला। मुझे नहीं मालूम मैंने इस राज को खोलने में गलती खाई है या ठीक किया है। मुझको दाता दयाल ने हुक्म दिया था फकीर, चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना ताकि संसार पथ प्रश्न हो जाए। मैंने जो कुछ अनुभव किया वो कहा,
अगर फर्ज करो मैंने गलती भी खाई है इस राज को खोलने में, तो मुझको उसका कोई अफसोस नहीं। मेरे जम्मे गुरु ऋण था ताकि निबल अबल अज्ञानी जीव तुम लुट ना जाओ, तुम एक्सप्लॉइट ना किए जाओ। एक दूसरे तुमको सच्चा मार्ग बता दूं, इससे इतना तो है कि तुम्हारे वो जो मन का अज्ञान से तुम ज्यादा आनंद लेते थे वो नहीं मिलेगा। जैसे कल मैंने आपको परसों प्रसंग में एक अपनी मिसाल दी थी कि जब मैं छोटा होता था, मुझे याद है एक लकड़ी की घोड़ी छोटी सी जिसको पहिए से मेरे बाप ने मुझसे बना के दी, तो मैं उसके गले में रस्सी डालकर खेचा करता था, पानी आगे रख दिया करता था, कहता पी तू, और फिर काट काट के आगे रख दिया करता था, काट खा ले। उस वक्त जो मुझको आनंद आता था उस घोड़ी को काट डालने से और पानी पिलाने से, अब वो नहीं आता। अब आता है क्यों? ये अज्ञान का पर्दा उठ गया। तो आनंद जो है ये अज्ञान में है। काटा जाल ने अंतिम समय में एक वचन कहे थे, सुनो दोस्तों मैं वो कहता हूं जो किसी ने नहीं कहा, अज्ञान में आनंद है, ज्ञान में आनंद नहीं, ज्ञान में शांति है। संसार विषय है, ये आनंद चाहता है, स्त्री के भोग का आनंद चाहता है, दौलत के भोग का आनंद चाहता है, संसार के पदार्थों का आनंद चाहता है, इसी तरह से ये परमार्थ में भी आनंद चाहता है। आगे दर्शन कर आती कर मगनानी, सात पुरुष तब बोले बानी। तो अगर ये आनंद छूट जाए किसी का दुनिया का, उसकी बजाय उसको रूहानी आनंद मिल जाए, सुरता आनंद मिल जाए, तो वो अच्छा है या के बुरा है? आनंद तो वो भी है, वो दायम है, ये नाशमान है। आगे अलक लोक का भेद सुनाया, बल अपना दे सुरत पठाया। कहते हैं ये जिंदगी जो है सात लोग की, इससे आगे भी कुछ है। वो हस्ती की जागृत अवस्था है सात लोग। जिस तरह जिस्म की जागृत है, इस तरह मन की जागृत त्रिकुटी में है। रूह की जागृत सात लोग में है। तो बल अपना दे, किसका बल? वो जो शब्द और प्रकाश सुनता था, सुरत सुनती थी, उसकी ताकत लेकर के वो आगे को सकती। आगे अलेक पुरुष का रूप अनुपा, अगम पुरुष निरखा कुल भूपा। ये स्वप्न जागृत और सुष्पति जिस तरह हमारी यहाँ शरीर में है, हमारे मन में है, इसी तरह से सूरत की जागृत स्वप्न और सुष्पति की अवस्थाएं हैं। जो ऊपर है वही नीचे है, अगर उसमें ना होता तो उसका अक्ष यहाँ कैसे आता? कबीर ने जहाँ करनैनो दीदार महल में प्यारा है लिखा है, वहां ने इन लोगों को उसका अक्ष बताया है, जो ऊपर है वही उसके नीचे है। अगम लोक की नकल बनाई, सत लोक की नकल बनाई, ऐसे ऐसे शब्द हैं कबीर साहब के। ये जितनी निचली मंजिलें हैं ये उस सत लोक का या ऊपर के लोगों का अक्ष है। तो हमारी सूरत की जागृत अवस्था सतलोक
हमारी सूरत की स्वप्न अवस्था रख लो, हमारी सूरत की रूहानी स्वप्न सृष्टि अवस्था अगम लो। आगे देखा आज कहाँ न जाई, क्या क्या चोभा बरनू भाई। वो युद्ध जो है वो जो है वो उसका तल्लक देखने से है, जबान में नहीं आ सकता। आगे तीन पुरज और तीनों लोग देख सूरत पाया जोग। हमारी सूरत उस सतलोक से इस ब्रह्मांड में आई हुई है, यहाँ हम दुख सुख उठाते हैं। हमारा जो अपनी सूरत का रूप है ये अजर है अमर है, ये अजर है और अमर है। ना हम मरते हैं, ना शरीर मर जाएगा, मन मर जाएगा, सब कुछ मर जाएगा, मगर हम जो हैं ये नहीं मरते। हमारे अजर और अमर होने का ज्ञान बाहर का सदगुरु देता है। खत्म है। आगे करो। प्रेम विलास जहाँ आती भारी, राधा स्वामी कहते पुकारी। सूरत प्रेम रूप है, मालिक प्रेम रूप है, प्रेम में आनंद है और खुशी है। तो आज सत्संग का पहला शब्द पढ़ो, क्या था? आया 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 मैं सतगुरु के सत्संग, आया 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 मैं सतगुरु के सत्संग। अच्छा किया सत्संग में आया, अच्छा किया सत्संग में आया, साज को संग चित सुसंग लगाया, मोह मद मान और माया त्याग, मोह मद मान और माया सुनहित चित से गुरु की बानी, सुनहित चित से गुरु की बानी, मन नन वेग सहित कर प्राणी, मन नन वेग सहित कर प्राणी, सत को कह कर हृदय में रानी, सत को कह कर हृदय में रानी, आस से हो जाया संग आया सतगुर के सत्संग, आस से हो जाया संग आया सतगुर के सत्संग, बाहर संगत गुरु का कीजे, बाहर संगत गुरु का कीजे, अंतर सूरत शब्द में दीजे, अंतर सूरत शब्द में दीजे, साधन का रस आनंद दीजे, साधन का भंग आया सतगुर के सत्संग, जैसे पिए कोई भंग आया सतगुर के सत्संग।
सत्संग पक्ष पात की दान करना, पक्ष पात की दान करना, देश अग्नि में कभी न जलना, देश अग्नि में कभी न जलना, नहीं तो हाथ शोक कमलना, नहीं तो हाथ शोक कमलना, मन नहीं उठे तरंग आया सतगुर के सत्संग, मन नहीं उठे तरंग आया सतगुर के सत्संग, भक्ति भाव ले संगत करना, भक्ति भाव ले संगत करना, बात भाव तेरे भार न धरना, बात भाव तेरे भार न धरना, फिर नहीं छूटे जन्म न मरना, फिर नहीं छूटे जन्म न मरना, सीख साधु का ढंग आया सतगुर के सत्संग, सीख साधु का ढंग आया सतगुर के सत्संग, संग भयारत बंद का कारण, संग भयारत बंद का कारण, फिर क्या संगत करे ओ बारन, फिर क्या संगत करे ओ बारन, कैन हो फिर करन अर्थारन, कैसे हो फिर करन अर्थारन, माया करे दिल तंग आया सतगुर के सत्संग, माया करे दिल तंग आया सतगुर के सत्संग, सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, ध्यान हो निर्वाणी अनूप का, ध्यान हो निर्वाणी अनूप का, भजन हो शाद में शाद रूप का, भजन हो शाद में शाद रूप का, सहित प्रति दयो मंग आया सतगुर के सत्संग। ये लफ्ज गाता के हैं अरे उसके लिए क्या लिखा है, ध्यान किसका, सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, गुरु के मुक्त रूप का, गुरु का मुक्त रूप क्या है, ये तो मुक्त नहीं है, गुरु का मुक्त रूप है ज्ञान समझ और विवेक, और गुरु का आगे क्या है, सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, सुमिरन गुरु के मोक्ष रूप का, ध्यान हो निर्वाणी अनूप का, ध्यान हो निर्वाणी, दुनिया ने सब इसी रूप तक फंसी हुई है, सब दुनिया बस गाड़ी नीच के लिए टूटती है सब, गुरु का रूप तो कुछ और चीज है, मगर इसकी समझ आएगी कब, जब सत्संग करोगे, दूसरे तुम्हारे मन निर्मल हुआ हुआ हो, इस गुरु के रूप की जरूरत है तुम्हारे मन को इकट्ठा करने के लिए, तुम्हारे मन को शुद्ध करने के लिए, तुम्हारे मन को निर्मल करने के लिए, जब मन शुद्ध और निर्मल हो जाए फिर वो रूप आता है। दाता का शब्द है, हैरान होता हूँ, प्रशोचन दास
मैंने जिंदगी में पहली बार ये शब्द सुना है, दाता का लिखा हुआ। मैंने इसको नहीं कहा कि ये शब्द पढ़, ये शब्द मौज से निकला है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, मैं सत्संग कराता हूँ, मौज खुद ब खुद शब्द निकालती है। मैंने इसको नहीं कहा कि तू ये शब्द निकाल, स्वाभाविक निकला है। आगे भजन हो शब्द में शब्द खूब का, भजन हो शब्द में शब्द खूब का, सहित पति तयो मंगल आया, सतगुर के सतसंग सहित प्रति तयो मंगल आया, सतगुर के सतसंग मंत्र मलंत्र का रगड़ा झगड़ा, मंत्र मलंत्र का रगड़ा झगड़ा, बांध काल कर्म के झगड़ा, बांध काल कर्म के झगड़ा, बातों का ना बना तुख संगड़ा, बातों का ना बना तुम संगड़ा, किज से हो जा रंग आया, सतगुर के सतसंग, किज से हो जा रंग आया, सतगुर के सतसंग। ये सत्संग चौथे और पांचवें पद का है, कौन समझेगा इसको। मेरा तो कर्म भोग था, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, अपना अनुभव कह जाता हूँ, जानता हूँ दुनिया इस मंगल तक पहुँचने के योग नहीं है। आगे क्यों आवे गुरु की शरणाई, क्यों आवे गुरु की शरणाई, आप ही कर्म फल कट जाई, आप ही कर्म बंद कट जाई, क्यों बंदा पल की रसरी भाई, क्यों बंदा पल की रसरी भाई, सुन सतगुरु पर संग आया, सतगुरु के सतसंग। जो संत दुनिया में कोई आता है याद रखो, वो डिमांड एंड सप्लाई के कानून के जरिए चलाता है। यहाँ हर जगह डिमांड एंड सप्लाई है, ख्वाहिश करो आएगा, कुदरत में तुम बुरी ख्वाहिश करो उसके पूरा करने वाला भी कुदरत में कोई ताकत तुमको आ जाएगी, तुम अच्छी ख्वाहिश करो कुदरत में वो भी ताकत तुमको आ जाएगी, तुम परमार्थ की ख्वाहिश करो तब भी कोई ना कोई ताकत आ जाएगी। मुझे ख्वाहिश थी अपने घर जाने, वो जो अकाल पुरुष वो शब्द श्री की जो ताकत थी उसकी चरण दाता जाय महर्षि के रूप में मेरे लिए आई, मुझे जरूरत थी मेरा काम हो गया। डिमांड एंड सप्लाई का कानून काम करता है, मांगो और मिलेगा, ये कुदरत का नियम है, मैग्नेटिज्म वर्क करती है इस संसार के अंदर, साइंस के असूल के मुताबिक डिमांड एंड सप्लाई काम करके खुद ब खुद जिस चीज की इंसान इच्छा करता है बाहर से वो सामान उसका मदद करता है आकर, ये है कानून। इसलिए मुझको निश्चय है कि दाता दयाल के रूप में मेरे लिए वो परम तत्व शब्द स्वरूपी प्रकाश स्वरूपी अगम लोक का बासी की जो वहां से एक किरण थी वो आई थी। ये निश्चल संबंध है, इस तरह से कोई किसी लेने देने होते हैं, कोई पुत्र बन जाता है, कोई बाप बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, कोई जवाई बन जाता है, पिछले कर्मों के अनुसार इस तरह से ये संत भी कर्मों के अनुसार संसार में जीवन के हित के लिए आते हैं। सतसंगी हो साधु बन जा, सतसंगी हो साधु बन जा, घर में साधन कर नहीं बन जा, घर में साधन कर नहीं बन जा, घर में हंस सुन आ
बन जा, भट में हंस सुने आसन जा, त्याग भरम के अंग आया सतगुर के सत्संग, त्याग भरम के अंग आया सतगुर के सत्संग। वो कहते हैं अरे भाई सत्संगी बन जा, किस लिए जंगल में खाक छानता फिरता है इस चीज को आके करने के लिए, बाहर क्या रखा है, तेरे अपने घर में है, बात को समझ रहे अपने साधन कर आगे। जो नहीं ऐसा करता भाई, जो नहीं ऐसा करता भाई, फिर सत्संग नहीं दुखदाई, फिर सत्संग नहीं सुखदाई, सज ये जग घर में साधन कर नहीं बन जा, घर में साधन कर नहीं बन जा, घर में हंस सोने आसन जा, घर में हंस सोने आसन जा, त्याग परम के अंग आया सतगुर के सत्संग, त्याग परम के अंग आया सतगुर के सत्संग। वो कहते हैं अरे भाई सत्संगी बन जा, किस लिए जंगलों में खाक छानता फिरता है इस चीज को आके करने के लिए, बाहर क्या रखा है, तेरे अपने घर में है, बात को समझ रहे अपने साधन कर आगे। जो नहीं ऐसा करता भाई, जो नहीं ऐसा करता भाई, फिर सत्संग नहीं सुखदाई, फिर सत्संग नहीं सुखदाई, सज दे जग अगम भाई, सज दे जग अगम भाई, जो कह चूली भुजंग आया सतगुर के सत्संग, जो कह चूली भुजंग आया सतगुर के सत्संग। जैसे सांप कुंज को उतारता है ना, तो कंडों में जा बढ़ता है, तो कंडे उसकी ऊपरी कुंज में हट जाते हैं, आप वो जोर लगा के निकल जाता है। केसरी का ये था, मैं केसरी कैसे तभी, बस सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा दिमाग बदल गया, मेरे विचार बदल गए, मेरा जिस्म बदल गया, मेरा खून बदल गया, हर एक चीज मेरी तब्दील हो गई। यानी मैं जैसे बदला हूँ, देखो ना मेरा सत्संग ही यहाँ से शुरू होता है कि मैं कहीं नहीं जाता, मेरी फाउंडेशन सत्संग की यही है। और ये तरस घड़ी वाले बैठे हुए ऐसे सत्संगी हैं जो मेरे गुरु, जो कुमारपुर वाली माई है, कृषक है, बस इनकी वजह से मैं केसरी को छोड़ के चला गया। अगर मुझे जाति मान होता, जाति गरज होती, जाति लालच होता, जाति कुछ गुरु बनने की हवस होती, तो जिस और महात्माओं ने पर्दा रखा मैं भी पर्दा रखा, मगर मैंने पर्दा नहीं रखा। आगे पिंड की धरती जल्दी उड़ा दे, पिंड की धरती जल्दी उड़ा दे, खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे, खंड ब्रह्मांड के टुकड़े बना दे, सत से सत को सहज मिला दे, सत से सत को सहज मिला दे, जो नल नाले रंग आया सतगुर के सत्संग, जो नल नाले रंग आया सतगुर के सत्संग। सत को सत से मिला दे, सत्य मेरी सुरत है, इसको सत्य लोग के उस मंजिल से मिला दे। आगे राधा स्वामी दीन दयाला, राधा स्वामी दीन दयाला, सब जीवन के हैं प्रतिपाला, सब
जीवन के हैं प्रतिपाला, मेरे दया से कर दे आला, मेरे दया से कर दे आला, हो जा अनंग आया सतगुर के सत्संग, हो जा अनंग आया सतगुर के सत्संग, आया 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 मैं सतगुर के सत्संग, आया सतगुर के सत्संग। मैंने कोई कह मैं कहूंगा मैं गया था गया था गया था सतगुरु के सत्संग, सतगुरु ने ये बख्शीश मिल सकता है। मेरे समय ड्यूटी थी, मैंने ड्यूटी को बड़ी सच्चाई से अदा कर दिया, सबको राधा।